इन पांच लोगों को बुलाकर आप हर आपके 40 या कितने संस्करण हैं, हर संस्करण की आप जिम्मेवारी लगा दीजिए कि साल भर में एक बार बच्चों को बचाने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर अलोन, शिक्षा, बेटी बचाओ, वेश्यावृत्ति से बच्चों को बचाओ, लड़कियों की सुरक्षा उपलब्ध कराओ, अच्छी पढ़ाई मुहैया कराओ। पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूलों में दाखिला नहीं है, इट हैज़ टू बी क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। उस एजुकेशन के लिए मुहिम चले और उस मुहिम में बुलाया जाए सबको, अलग अलग एस्पेक्ट बच्चों के स्वास्थ्य पर। अब देखें कि इस समय भारत में जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं, हमारी सरकार बार बार बहुत ऊंची मंचों से कह रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो युवाओं की शक्ति है, आप सुन के हैरान होंगे बहुत सारे लोग कि भारत में 41% आबादी 18 साल से नीचे की है और हमारे बजट में सिर्फ 4.5% पैसा बच्चों पर खर्च होता, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की सुरक्षा पर। 18 साल तक की लड़कियों लड़कों को सुरक्षा मुहैया कराना, उनको स्वास्थ्य मुहैया कराना, उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करना, इस पर 4.5% खर्च हो रहा है। कितना बड़ा गैप है हमारी राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच में। हम ये पंचतत्व को इकट्ठा करें आपके माध्यम से, हर एडिशन के अंदर आप करें और फिर अगले साल एक राष्ट्रीय करें, एक साल के अंदर आप सुनिश्चित करें कि भारत के बचपन को शिक्षित, संस्कारित, स्वस्थ बनाने के लिए हम ये मुहिम चलाएंगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट नेगेटिविटी, इट्स मोर पॉजिटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिविटी। कि आप पंचतत्व समागम करें, पांच लोगों को, सरकार के लोगों को बुलाएं और इन सबको बुलाएं और सुनिश्चित करें कि हम इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाते हैं सब मिलकर। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई एनजीओ इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, दुनिया में कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई कॉरपोरेट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, अकेला अकेला अकेला। इसलिए ये पांच जो की स्टेक होल्डर्स हैं भारत में, किसी ना किसी को इसकी अगुवाई करनी है। मैं आप इस, अगर आप इस पर शुरू करेंगे मिलकर, यहीं से शुरू करेंगे, मैं इस मुहिम में आपके साथ रहूँगा। और मैं आपको बता दूं, आप नहीं शुरू करोगे तो मैं किसी और से करा दूंगा। अभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं। और मुझे, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अगले साल मेरी बात ना सुने, अगले साल किसी भारतीय को फिर से नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा तो अच्छी बात है। तो और यहां पर आप लोगों के अंदर भी बहुत ताकत है। देखो, मैं एक ट्वीट करता हूँ तो 10 बार सोचता हूँ कैसे ट्वीट करूँ, क्या करूँ, क्या मुझे आता नहीं है काम। फेसबुक मुझे आती नहीं चलानी, मैंने आज तक चलाई नहीं। मेरे नाम पर मुझे पता लगा कोई और फेसबुक चला रहा है। अच्छी बात यह थी कि उसने जो है अपना नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद जो है शादी का प्रस्ताव नहीं रख दिया किसी के आगे मेरी फेसबुक में। इसलिए सुवेदा जी मेरी फेसबुक को रोज देख, मेरे नाम से जो फेसबुक किसी ने चलाई उसको रोज देख रहे हैं। तो अंत में आप लोगों के अंदर जो ये क्षमता है, अगर आप में से कुछ लोग वॉलंटियर करेंगे हमारे साथ कि ये सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये लिखा पढ़ी और अच्छी कैसे मनाई जाए। हमारे यहाँ सब लोग अंग्रेजी में कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई भारत की भाषा हिंदी है, थोड़ा हिंदी में ज़्यादा करो ताकि जो बाल मजदूरी के शिकार बच्चे हैं वो हिंदी, वो तो अंग्रेजी जानते नहीं है, और सारी लिखा पढ़ी अंग्रेजी में, रिसर्च अंग्रेजी में, सब क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजी में। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी, खासकर हिंदी को या भारतीय भाषाओं को, अकेले हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, इनमें इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत ही कम साहित्य तैयार होता है, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हो। इस पर बहस चर्चा कम होती है भारतीय भाषाओं के माध्यम से। समस्या वहाँ है, समाधान कहीं और है, समस्या की भाषा कुछ और है, समाधान की भाषा कुछ और है, तो ये गैप बना रहता है। और भाषा का मतलब सिर्फ अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाषा का मतलब हमारे पूरा कम्युनिकेशन का तरीका, वो बहुत अलग अलग है। समस्या से ग्रस्त लोगों का अलग और समाधान के लिए जो जिम्मेवार बैठे हैं लोग उनका अलग। इसलिए मैं ये पंच तत्वों की बात कर रहा हूँ, जो मूल तत्व हैं देश के, वो किसी भी मुद्दे पर काम कर सकते हैं और इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और
जो बात मैंने बार बार कही है उसको समाप्त उसको मैं कहता हूँ कि ये शांति पुरस्कार मेरे अकेले के लिए नहीं। जिस दिन ये मिला, जैसा मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा और आप लोगों ने सबने अखबारों में देखा कि सारी दुनिया के बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन है और हर भारतीय के लिए पुरस्कार। तो मैं कोई औपचारिकता में ये बात कह नहीं रहा था, ना मुझे औपचारिकता से कोई फायदा है, कोई मुझे और दूसरा नोबेल शांति दे नहीं देगा और ये कोई मुझसे छीन नहीं लेगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरी नैतिक जिम्मेवारी और मुझ पर एक नैतिक बोझ और बढ़ गया, ये मैंने महसूस किया। तो मैंने नोबेल शांति पुरस्कार वालों को लिख दिया कि जो पैसा आप दे रहे हो मुझे, मेरा निजी पैसा कई करोड़ रुपया, मैं ये पैसा नहीं लूँगा। बचपन बचाओ आंदोलन भी ये पैसा नहीं लेगा, मैं उनके लिए भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये पैसे की पाई पाई दुनिया के उन बच्चों के ऊपर खर्च होगी जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पैसे की। तो वो पैसा मैं वहीं छोड़ आया, आज तक किसी ने वो पैसा छोड़ा नहीं था वहाँ। तो वहाँ से मारामारी हो गई, लिखा पड़ी हो गई, कैलाश जी आप कैसे आदमी हैं, हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि हम पैसा आपका रख लें। हमने कहा हम बताएंगे आपको कि बाद में किसको भेजना है, कहाँ कहाँ भेजना है दुनिया में, लेकिन अभी फिलहाल आप रखे रहिए। उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक नया उसके लिए बनाना पड़ा रेगुलेशन। और दूसरी चीज़, मेडल लेके आ गए हम सोने का। अब उसको लोग कहते हैं सारी दुनिया की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो नोबेल पीस प्राइज, बाकी 6 प्राइज एक तरफ एक जगह दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, और नोबेल पीस प्राइज नैतिकता का चरमोत्कर्ष पुरस्कार। तो उसको पीढ़ी तक लोग छू छू के याद करते हैं कि भाई ये तो मंदिर की तरह है, भगवान जाने मूर्ति की तरह है। तो मैंने पहले कह दिया था कि ये तो भारत की जनता के लिए। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखी कि आप प्रथम नागरिक हैं, मैं ये भारत की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ ये मेडल। तो राष्ट्रपति जी के पास भी बहुत मुश्किल हो गई, उनके कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, उन्होंने बार बार फोन करके कहा कि राष्ट्रपति जी तो सबको मेडल दे रहे हैं, आप राष्ट्रपति जी को मेडल दोगे, ऐसा कभी हुआ नहीं भारत में। उनको निजी तौर पर आप गिफ्ट दे सकते हो, वो गिफ्ट जो है वो ट्रेजरी में चली जाएगी। अभी बहस चल रही है ना ट्रेजरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए गिफ्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दिया जाता है वो। तो राष्ट्रपति जी के यहाँ बहुत लिखा पड़ी हो गई, अब चल रहा हूँ मैं। अब पाकिस्तानी भी मेरे बहने हैं और आप लोग भी बहुत सारे बहन भाई हो, तो मैं उनको बोल दूंगा कि ज़बरदस्ती आप लोगों ने रोक लिया। तो वहाँ मैंने राष्ट्रपति जी के यहाँ चिट्ठी लिखी, तो उनके यहाँ भी कोई प्रेसिडेंट नहीं था। एक महीना उनको ये सुनिश्चित करने में लगा कि राष्ट्रपति जी इस नोबेल शांति पुरस्कार का करेंगे क्या। तो बाद में हमारे पास खबर आई कि वो तैयार हैं लेने के लिए, मैं वहाँ चला गया, उनके हाथ में मैंने रख दिया, भारत की जनता को समर्पित कर दिया उनके माध्यम से। और मैंने उनको कबीरदास जी का दोहा पढ़ दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा खून, मेरी हड्डियां, मेरा मांस, सब कुछ भारत की मिट्टी से बना है, यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों के परिश्रम से मैं, मेरा शरीर चल रहा है, और मेरी आत्मा यहाँ की महान संस्कृति से, यहाँ की धरोहर से, यहाँ की परंपरा से, यहाँ के धर्मगुरुओं की सीख से बनी है। तो इसलिए मेरा मुझ में कुछ था ही नहीं, मैं वहाँ दे दिया। अब वो मेरे ऑफिस के लोग हाया करने लगे कि कैलाश जी ये पैसा आपने अचानक वहाँ छोड़ दिया और दूसरी जगह चला जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन के कुछ लोगों को कम से कम आईपैड तो दिलवा देते या आईफोन टाइप चीज़, सैमसंग फ़ोन वगैरह वगैरह नई नई चीज़ें आ रही। और मेरे अपने लोग, रिश्तेदार लोग फ़ोन कर करके डांट रहे हैं, बूढ़े पुराने लोग, अरे भैया मेडल हमें कम से कम छू तो लेने देते, बिना छुए ही दे दिया। अब मैं ही नहीं छू सकता आपसे अपनी ज़िंदगी में, तो कौन छू सकता है, वो तो गया। तो लेकिन इससे मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई त्याग नहीं है, मैं फिर बता दूँ, मैं बहुत 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 इस मामले में सख्त हूँ, मेरे दिल में दिमाग में ईश्वर ना करे कि कभी ये कल्पना भी आए कि ये कुछ भी मेरे कारण है, और ये मैं किसी उसके वजह से नहीं कह रहा हूँ, किसी दिखावे के वजह से। लेकिन जैसे मैं नैतिक रूप से महसूस करता था, जिस दिन 2-4 दिन मेरे पास मेडल रहा तो बहुत बोझ मेरे ऊपर रहा, अब बोझ आप लोगों के ऊपर है, मैंने आपको दे दिया। ये जितनी नैतिक
जवाबदेही और जिम्मेवारी मैं महसूस कर रहा था। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहता हूं कि आप सबकी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि ये नोबेल शांति पुरस्कार शब्दों में नहीं व्यवहार में आपके पास है। आपके राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है वहां रखा हुआ है, आपका है वो, तो पुरस्कार हो जाए आपका और समस्या रहे कैलाश सत्यार्थी की, ये नहीं चलेगा। आप लोग तैयार हैं इस सब बच्चे भारत के बचपन को बचाने के लिए? सचमुच तैयार हैं? आप ऐसे किसी रिश्तेदार के यहाँ चाय भी मत पीना जहां पर बाल मजदूरी चल रही हो, और सड़क पर और ढाबे पर भी। अपने फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या है आपके पास, व्हाट्सएप, उसमें आप जहां भी बच्चे के ऊपर होते जुल्म देखो, जरूरी नहीं कैलाश सत्यार्थी को याद करो या बचपन बचाओ को याद करो। बच्चा, अगर आप किसी बच्चे के जीवन में मुस्कुराहट लाओगे अपने प्रयासों से, उसके जीवन में परिवर्तन लाओगे, तो ये आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, आपके लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग होगी। कोई चुनौती आप स्वीकार करते हो, उसका समाधान करते हो, तो एक ट्रेनिंग होती है आपके लिए। आप तैयार हैं इसके लिए? बहुत रोते रोते यस सर कह रहे हैं आप नौजवान आदमी। जब मैं आपकी उम्र में था ना, तो पुलिस पीट पीट के जेल में बंद कर देती थी कॉलेज लाइफ में, तो हम लोगों ने बहुत शैतानियां भी की हैं। हम नहीं चाहते कि आप उस तरह की शैतानियां करें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप उसी तरह की शैतानियां करें जिससे कि आप सब लोग मिलकर इस भारत को एक बहुत स्वच्छ भारत, एक बहुत संबल सशक्त भारत, एक बहुत समृद्ध भारत, और सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो मैंने प्रधानमंत्री जी से कही कि इस सबके लिए ज़रूरी है कि आप बाल मित्र भारत बनाने में जुटें। मैं और आप मिलकर भारत को बाल मित्र भारत बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।